प्रथम तहलका न्यूज। खुद को किसानों का हितेशी बताने वाले लोग किसानों पर गोलियां भी चला चुके हैं। हमारी सरकार तो किसान आंदोलन से शांति से निपट रही है, लेकिन अगर इन लोगों की सरकार होती तो कई बार किसानों पर गोलियां चला चुके होते। ये कहना है हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का, जिन्होंने इनेलो नेता अभय चौटाला पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार बीते 11 महीने से किसान आंदोलन से शांति से निपट रही है, लेकिन ये लोग आंदोलन के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। वहीं उन्होंने अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति को इन्होंने गिल्ली डंडे का खेल बना दिया है। फैलनाबाद में भारतीय जनता पार्टी शर्तीय चुनाव जीतेगी, बाकी जो पार्टियां मुकाबले में हैं और जो अपने आप को किसानों का हितैषी बताती हैं, उन्होंने अपने अपने समय में किसानों पर गोलियां चलाई हुई हैं। हम 11 महीने से किसानों के आंदोलन के साथ निपट रहे हैं, संयम से निपट रहे हैं। अगर इन पार्टियों की सरकार होती, कांग्रेस की या इन आलोक की होती, तो अब तक कई बार गोली चल चुकी होती है। और किसानों के लिए जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जितना हरियाणा की सरकार ने किया है, उतना आज तक किसी ने नहीं किया। लोग इस सच्चाई को जानते हैं। कुछ नकली नेता किसान के भेष में शोर मचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता हकीकत समझ चुकी है। तो सर, अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि अगर इस बार भी किसान चाहेंगे तो अभय सिंह चौटाला शपथ नहीं लेंगे। नहीं, ये कोई गुल्ली डंडे का खेल हो गया। जब मर्जी इस्तीफा दे दो, जब मर्जी चुनाव लड़ लो, ये तो प्रजातंत्र का मजाक हो गया, लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया। आप एक बात कहते हैं और त्याग पत्र देते हैं, अपनी बात पर पूरा नहीं उतरते और फिर चुनाव लड़ते हैं और फिर ऐसी बात कहते हैं, प्रजातंत्र का मजाक मत उड़ाओ। इसके साथ ही मंत्री अनिल विज ने ये दावा कर दिया कि ऐलानाबाद में हमारी पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा, क्योंकि हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए काफी काम किया है और लोगों को ये फर्क भी नजर आता है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।